फिरोजाबाद में पुराने विवाद के चलते दो पक्ष आमने सामने आ गए, जिसमें एक व्यक्ति लहूलुहान हो गया। मारपीट से अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। मामला थाना दक्षिण के नई बस्ती का है, जहां एक कपड़े की दुकान पर किसी बात को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। ये विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट तक बात पहुंच गई, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। वहीं दुकानदार का कहना है कि चूड़ी खरीदने को लेकर दूसरे पक्ष ने उसके साथ मारपीट की है। इससे पहले भी वह उसके साथ मारपीट कर चुका है। इसे लेकर थाना उत्तर में मुकदमा भी पंजीकृत कराया गया है। पुलिस ने घायल को अस्पताल भिजवाने के साथ ही दोनों पक्षों से कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर मामले की जांच शुरू कर दी है। क्या नाम है तुम्हारा? धीरज राठौर। क्या बात हुई थी यहाँ? ये बाल्टी में मैं आया अपने पिताजी के बीच और कौन लोगों ने समझाओ। नाम है तुम्हारा? मेरा नाम पंकज है। पंकज, ये बताओ ये दुकान है किस नाम से है, क्या घटना हुई है यहाँ? कपिल कलेक्शन के नाम से दुकान है। मेरा छोटा भाई दुकान बढ़ाने जा रहा था, कपिल नाम है इसका। अभी कुछ दिनों पहले इसने भीड़ की पुलिया पे उसकी पहले मार्केट की थी, जो उत्तर थाने में मुकदमा पंजीकृत है, उसमें उसकी नाक में फ्रैक्चर हुआ था। आज फिर वो आया और हमारा मैटर ये है कि तोड़े हम भी खरीदते हैं, जिनकी पुड़िया पर ये भी खरीदता है, तो तोड़े खरीदने के चक्कर में एवज में ये तीनों भाई आए, धर्मवीर और मुन्ना लाल और कौशल। कौशल सबसे पहले आया है और उसके जो भी मात्र जो उसको तोड़े बंद कर खरीदने बंद शब्दों से प्रयोग किया है उसने। मैं तो सिर्फ एक ही गाली का प्रयोग कर रहा हूँ, बहुत गाली देने के साथ साथ और तुरंत मारने पीटने चालू कर दी। जो उसने कहीं दुकान में जी क्या कर रहे हो कि साले तुझे अगर कल माँ देख लिया तो कल तुझे जान से मार देंगे, और मारने के साथ साथ दुकान में बाहर खींच लाए और उल्टे उसको मारने लगे। और मारने के साथ साथ उधर से उसके दोनों तीनों भाई आए, उन्होंने थोड़ा फेंका और अपने खुद मार लिया।